नमस्कार, एरोसिटी की तरफ से मैं आज एक नया संदेश देना चाहता हूँ आपको। आज इस वीडियो में मुझे ये बोलना है कि अब तक जैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। इस बात का बहुत खुशी है कि मुझे जो आज तक लोग बोलते थे सीलिंग आ रहा है, सीलिंग आ रहा है, और आप देख चुके हैं कि 95% सीलिंग का वर्क कम्प्लीट भी हो चुका है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी मिस्टर एकनाथ शिंदे जी, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे। अब आप देख सकते हैं कि वर्क कम्प्लीशन भी हो चुका है। लोगों ने जो प्लॉट लिया है, जो मेरे हमारे भरोसे में लोगों ने प्लॉट यहाँ पड़ा, सबका एप्रिशिएशन रेट भी हाई हो गया है। साथ ही साथ में आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जैसा सीलिंग अभी खुल गया, बहुत ही जल्द जिस तरह से एयरपोर्ट का काम चल रहा है वो भी स्टार्ट होने वाला है। अब मुझे सिर्फ एक स्टैटिस्टिकली एक फिगर बताना था। जैसा आप देख रहे हो कि सीलिंग जैसे ही चिल्ले की तरफ पहुँच रहा है, आप अगर ये देखोगे कि हमारा जो आबी का जो प्रोजेक्ट है वो प्योरली रांझनपाड़ा स्टेशन की तरफ से जो प्लॉट आ रहा है उसी पे हमारा फोकस है। बट एक चीज़ है, अगर आप देखोगे तो राइट साइड में प्योर उल्वे, ये उल्वे दिख रहा है आपको राइट साइड में प्योर उल्वे है। उल्वे का आज का रेट अगर आप देखोगे अप्रिशिएट रेट आज का अप्रॉक्सीमेटली 1.5 CR तक पहुँच गया। उसी के नीचे जरा आप देखोगे पुष्पक नगर, जो एग्जैक्टली एयरपोर्ट के बाजू में, आज उसका रेट 80 से 90 लाख हो चुका है। सेम वे अगर मैं जाऊंगा, ये है रांझनपाड़ा स्टेशन। रांझनपाड़ा स्टेशन के लेफ्ट साइड में जो है द्रोणागिरी, द्रोणागिरी का आज का रेट है कम से कम 80 से 90 लाख, वो भी चल रहा है। तो स्टैटिस्टिकली अगर मैं फिगर बताऊंगा तो एयरपोर्ट का सिर्फ यही जो जोन है जिसका 32 विलेजेस है अंडर कोपटा टाउनशिप में जो चल रहा है, इसका फोकस अब बहुत भयंकर हो रहा है और यहाँ पर रेट बहुत ही अप्रिशिएशन कर रहा है। आज ये डेवलपिंग प्रोसेस में सिडको ने एक गैजेटेड नोटिफिकेशन दिया है कि हमें 32 विलेजेस को इस सर्वे नंबर को हम लेने आगे की तरफ डेवलप करने वाले हैं। तो आज ये डेवलपिंग प्रोसेस में, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखेंगे तो पूरा को पूरा 32 गांव जिस तरह से डेवलपमेंट देने वाला है या आगे डेवलप होने वाला है, यहाँ का भी फिगर विद इन 3 to 4 years 1 CR तक पहुँचने का पूरा ही लॉजिकली आप देखोगे तो ये पहुँचने वाला ही है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप कहीं से भी लैंड खरीदे, कहीं से भी ले रहे हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन आप ये जरा समझिए कि अगर हमारे यहाँ पर हमने एक अलग लीगल टीम खड़ा किया है, हमारा खुद का एक सॉलिसिटर टीम है जो कि उस गांव में रहते हैं। अब आप जब लीगली अब जाते हो कि आप कोई भी सॉलिसिटर से बात करते हो तो जनरल चेक होता है, 7-12 होता है, तो नॉर्मल चीज़ होता है, सर्च रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है। लेकिन हमारा जो सॉलिसिटर यहाँ पर जो काम कर, वो मैडम वहीं पर रिसाइड करती है, वो अंदर की बातें जानती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट है क्या क्या है, तो इसके लिए मैं आपको स्पेशली ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह का ये डेवलपिंग प्रोसेस चल रहा है उस पर आप गौर कीजिए, और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आगे का, कुछ भी चाहिए, हम आपके लिए हमेशा रेडी है। आप कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो एनी टाइम यू आर वेलकम। थैंक यू, थैंक्स सर।